वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे मोटिवेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, असली खुशी और सुरक्षा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से निभाने में है। और स्थायी सुख भले ही हमें कुछ दिनों के लिए आनंद देता हो, लेकिन लंबे समय में मेहनत और जिम्मेदारी ही हमें सुरक्षित रखते हैं। आज की स्टोरी भी कुछ इससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स, एक गाँव की बात है जहाँ एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास दो ताकतवर बैल और एक आलसी बकरा भी था। किसान हर सुबह अपने दोनों बैलों को खेतों में काम करवाने के लिए ले जाता, जहां वे दिन रात मेहनत से जमीन जोतते, फसलें उगाने में मदद करते और दूसरी ओर बकरा जो पूरा दिन मस्ती में घूमता फिरता, घास चबाता और आरामदायक की जिंदगी का आनंद लेता। बकरा अक्सर बैलों को ताने मारता और कहता, तुम लोग कितने मूर्ख हो, सारा दिन पसीना बहाते हो, बदले में मिलता क्या है तुम्हें, बस थोड़ी सी घास और आराम का नामो निशान भी दे। मुझे देखो, मैं आराम करता हूँ, घूमता हूँ और फिर भी किसान मुझे कितना पसंद करता है। बैल उसकी बातें सुनते और बस हल्के से मुस्कुरा देते। एक दिन बैलों में से एक बैल ने बकरे से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जबकि तुम मजे में रहते हो। बकरा हंसते हुए कहने लगा, तुम्हारी मेहनत का क्या मतलब जब किसान मुझ पर इतना प्यार लुटाता है तो। धीरे धीरे फ्रेंड्स, दिन बीतते गए और गांव में त्योहार का समय आ गया। किसान ने सोचा कि इस अवसर पर थोड़े से पैसे जुटाने होंगे। उसने बकरे को कसाई को बेचने का फैसला किया। जैसे ही ये बात बकरे को पता चली तो उसके पैरों से जमीन पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह डर के मारे कांपने लगा और बैलों की तरफ मदद की नजर से देखने लगा। फ्रेंड्स, कसाई के पास जाते हुए समय बकरे ने बैलों की ओर देखा और कहा, दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा गलत था। मेहनत और जिम्मेदारी निभाने में ही असली सुरक्षा और सम्मान है। तुम दोनों किसान की मेहनत में हाथ बटाते हो, इसलिए वह तुमसे इतना प्यार करता है। मैं अपने आराम की जिंदगी में इतना खो गया कि अपने भविष्य और सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाया। बैल ने शांति से उत्तर दिया, देखो बकरे, जिंदगी में मेहनत करना और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही असली सुकून और सुरक्षा होती है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा मेहनत से अपने कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।